हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर। टुडे आवर टॉपिक इज ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी एंड मेमोर। ओके, तो देखिए ऑटोबायोग्राफी, व्हाट इज ऑटोबायोग्राफी? ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। क्या होता है? आत्मकथा। व्हेन ए पर्सन वांट्स टू टेल अबाउट द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ। When a person, जब एक व्यक्ति wants to tell, कहता है about the story of his life, अपने जीवन की कहानी बताता है, he writes that in form of a book, he writes, और वह लिखता है किसमें? That in form of a book, book में लिखता है, that book, और वो किताब क्या कहलाती है? An autobiography, autobiography मतलब आत्मकथा, खुद के बारे में जो भी हम राइट्स करते हैं जिस बुक में, वो बुक आपकी ऑटोबायोग्राफी कहलाती है, आत्मकथा कहलाती है। तो व्हेन ए पर्सन वांट्स टू टेल अबाउट द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कहानी सुनाता है, व्हेन ए पर्सन, जब कोई व्यक्ति वांट्स, चाहता है सुनाना या फिर कहना, क्या कहता है वो? अबाउट द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन की कहानी को कहता है। He writes that in the form of a book, और वो उसे एक बुक में भी लिखता है, that book is called, और यही किताब उसकी autobiography कहलाती है। okay? Meaning and origin, अब इसका देखिए अर्थ और इसकी origin, इसकी उत्पत्ति। auto plus bio, okay? auto plus bio plus graph equal self life, मतलब auto, ऑटो सेम बायोग्राफी, बायो प्लस ग्राफ इक्वल सेल्फ राइट, मतलब खुद के बारे में, खुद का जीवन, सेल्फ लाइफ, खुद का जीवन। राइटिंग फ्रॉम द ग्रीक, राइटिंग फ्रॉम द ग्रीक, कहाँ से लिखा गया है ये? ग्रीक से, यूनान से। इजेनियर इज ए लिटरली फॉर्म, इजेनियर इज ए लिटरली फॉर्म। देयर आर जेनरस That are autobiographical in nature. There are many genres. यहाँ बहुत सारे genres हमें देखने के लिए मिलते हैं. That are the autobiography in the nature. That are the जो किसमें देखने के मिलते हैं, किसमें देखने के लिए मिलते हैं? That are autobiographical in nature. जो nature में देखने के लिए मिलती है, क्या? Autobiographical. Okay? That are autobiographical. जो आत्मकथा हमें नेचर में पता लगती है। द वर्ड ऑटोबायोग्राफी वाज फर्स्ट यूज डिप्रेटिंगली बाई विलियम टेलर इन 1797। ये जो शब्द है ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, ये पहली बार यूज किया गया था डीप्रेटिंगली बाय विलियम टेलर के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम टेलर के द्वारा, वो भी किस सन में? 1797 में। ठीक है, 1797 में ये शब्द यूज किया गया था, किसका? ऑटोबायोग्राफी का। इट्स क्लियर? सो ऑटोबायोग्राफी, When a person wants to tell about the story of his life, जब देखिए कोई व्यक्ति अपने जीवन के बारे में कहता है और उसे किसी बुक में, उस एक्सपीरियंस को अपने किसी बुक में लिख देता है, दैट बुक इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी, और वही किताब उनकी ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। ओके, आत्मकथा कहलाती है। इसकी मीनिंग और ओरिजिन आपको बता ही दिया। ऑटो बायो, ऑटो प्लस बायो प्लस ग्राफ सेल्फ लाइफ, मतलब खुद के जीवन के बारे में इसमें लिखा जाता है। फ्रॉम द ग्रीक, किस से लिया गया है ये ग्रीक से, राइटिंग फ्रॉम द ग्रीक, ये, और ये कहाँ लिखा गया था पहले? फ्रॉम द ग्रीक, ग्रीक में भी लिखा गया था। एजेनियर इज ए मैरी इज ए लिटरली फॉर्म, और ये जेनियर इज ए लिटरली फॉर्म, एक साहित्यिक फॉर्म है। देयर आर मैनी जेनियर्स दैट आर ऑटोबायोग्राफी इन नेचर, जो हमें ऑटोबायोग्राफिकल, दैट आर ऑटोबायोग्राफिकल, यह वो आत्मकथा है जो हमें नेचर में देखने के लिए मिलती है। द वर्ड ऑटोबायोग्राफिकल वॉज फर्स्ट यूज डीप्रेटिंगली, ये सबसे पहली बार यूज़ किया था बाय विलियम टेलर के द्वारा, कब? 1797 में। किसमें?
in the English literature. Okay. Next. Next. तो विलियम टेलर के द्वारा इन 1797 में इन इंग्लिश पीरियोडिकल में सबसे पहले ऑटोबायोग्राफी शब्द को यूज़ किया था. ओके, पीरियोडिकल इन मंथली रिव्यू में, किसमें? पीरियोडिकल इन द मंथली रिव्यू में. एन ऑटोबायोग्राफी, क्या एन ऑटोबायोग्राफी? एक आत्मकथा. हाउएवर, फिर भी, मे बी बेस्ड एंटायरली ऑन द राइटर्स मेमोरी. However, फिर भी, may be based entirely, पूरी तरह से on the writer's memory, ये writers की memory में होती है, जो लेखक होते हैं उनकी memory में होती है, याद में होती है. on the an autobiography typically focus on the life and the times of the writer. और ये जो autobiography होती है typically ये focus करती है, किस पर focus करती है? द ग्राफी लाइफ पर एंड द टाइम्स ऑफ द राइटर, और राइटर की समय पर. तो ये जो ऑटोबायोग्राफी है टिपिकली फोकस करती है किस पर? लाइफ पर एंड टाइम्स ऑफ द राइटर, और राइटर के समय पर. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द ऑटोबायोग्राफी. नेक्स्ट है आपका बायोग्राफी. बायोग्राफी एंड मेमोर. देखिए, व्हेन ए पर्सन wants to tell the story of his life. देखिए, एक व्यक्ति जब अपनी कहानी बताता है, but he asks someone else to write. लेकिन कोई भी एक उसे लिखता है, सही है? जब कोई व्यक्ति, when a person wants to tell the story of his life, जब एक व्यक्ति अपनी कहानी बताता है, अपने जीवन की कहानी बताता है, but he asks someone, कब? when he asks someone, जब उससे कोई पूछता है, as to write. एज टू राइट, और फिर वो उससे लिखने के लिए कहता है इन द फॉर्म ऑफ ए बुक. किसमें? बुक में. दैट बुक इज कॉल्ड अ बायोग्राफी, और यही बुक हमारी क्या कहलाती है? बायोग्राफी कहलाती है. देखिए, आत्मकथा क्या होती है? जिसमें हम अपनी कहानी लिखते हैं. और बायोग्राफी क्या होता है? जिसमें हम दूसरे की कहानी लिखते हैं. ओके, व्हेन ए पर्सन वांट्स टू टेल अबाउट सम, व्हेन ए पर्सन, जब कोई व्यक्ति वांट्स टू टेल, क्या बताता है? wants to tell about some selected incident of his life. जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कुछ selected चुनी हुई घटनाएं बताता है, he writes them in the form of a book, और वो उन्हें book में लिखता है, that book is called a memoir. अच्छा, ये वाली book क्या, ये क्या कहलाती है? memoir कहलाती है. okay, biography क्या होती है? wants to tell the story of his life, जिसमें व्यक्ति अपनी कहानी बताता है, but he asks someone, कोई व्यक्ति जब उससे पूछता है, as to write, और फिर दूसरा उसे लिखता है इन द फॉर्म ऑफ ए बुक, बुक में लिखता है, दैट बुक इज कॉल्ड ए बायोग्राफी, ये बायोग्राफी कहलाती है. ठीक है, अब व्हेन ए पर्सन वांट्स टू टेल अबाउट सम सेलेक्टेड. अच्छा, जब एक व्यक्ति वांट्स टू टेल, क्या कहना चाहता है? अबाउट सम सेलेक्टेड इंसिडेंट, अपनी कुछ चुनी हुई घटनाओं के बारे में कहता है, ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन की, ही राइट्स देम इन ए फॉर्म ऑफ ए बुक, और वो उन्हें फॉर्म ऑफ ए बुक में लिखता है, दैट बुक इज कॉल्ड ए मेमोर, ये बुक क्या कहलाती है? मेमोर कहलाती है. ए मेमोर इज शॉर्टर, ये छोटा होता है देन एन ऑटोबायोग्राफी, मतलब ऑटोबायोग्राफी की अपेक्षाकृत मेमोर छोटा होता है. ए मेमोर इज स्लाइटली डिफरेंट इन कैरेक्टर फ्रॉम ऑटोबायोग्राफी. मेमोर जो है इज स्लाइटली डिफरेंट होता है इन कैरेक्टर्स में भी फ्रॉम ऑटोबायोग्राफी के. ठीक है, मेमोर हैव ऑफन बीन रिटन बाई पॉलिटिशियंस. मेमोर जो है अधिकतर किसके द्वारा लिखा जाता है? जो राजनीतिकार होते हैं उनके द्वारा लिखा जाता है. और किसके द्वारा लिखा जाता है? ओके, तो मेमोर जो है वो राजनीतिकार जो होते हैं उनके द्वारा लिखा जाता है, मिलिट्री लीडर्स और जो मिलिट्री के लीडर्स होते हैं उनके द्वारा लिखा जाता है. एज ए वे टू रिकॉर्ड एंड पब्लिश, वो क्या करते हैं? एज ए वे टू रिकॉर्ड करते हैं एंड पब्लिश करते हैं एन अकाउंट ऑफ देयर पब्लिक एक्सप्लोर के लिए. किसके लिए? पब्लिक एक्सप्लोर के लिए. ओके, इट हैज़ ए फिक्शनल क्वालिटी, इसमें कुछ फिक्शनल क्वालिटी भी होती हैं. इवन दो, यद्यपि, द स्टोरी इज ट्रू, इनकी जो कहानी होती है वो सच होती है. जो कहानियाँ होती हैं इनकी, मेमोर की, वो सच होती है, उसमें कोई झूठ नहीं होता है. हायर इमोशनल लेवल इज फाउंड, इसका जो इमोशनल लेवल होता है वो कैसा होता है? वो हाई क्वालिटी का होता है. इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोर, किसमें? जो मेमोर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, तो विशेषताओं में भी हमें हायर इमोशनल लेवल देखने को मिलता है.
ओके, तो मिलिट्री लीडर्स होते हैं, राजनीतिकार होते हैं, एज ए वे टू रिकॉर्ड, वो एज ए वे टू रिकॉर्ड एंड पब्लिश एन अकाउंट ऑफ ए देयर पब्लिक एक्सप्लोर, तो वो उसको रिकॉर्ड करते हैं, पब्लिश करते हैं, किसके लिए पब्लिश करते हैं, पब्लिक एक्सप्लोर के लिए, ओके। इट हैज़ ए फिक्शनल क्वालिटी, देखिए इसमें फिक्शनल क्वालिटी भी होती है, फिक्शनल क्वालिटी होती है, इवन दो यद्यपि द स्टोरी इज ट्रू, जबकि इनकी कहानियाँ सच्ची होती हैं, हायर इमोशनल लेवल और जो इमोशनल लेवल देखने को मिलता है हमें मैमोर की विशेषताओं में, वो भी हमें ट्रू देखने को मिलता है, और वो भी बहुत हायर इमोशनल मतलब हाई क्वालिटी का मिलता है, ये नहीं छोटी मोटी क्वालिटी का मिलता है, बल्कि उच्च क्वालिटी का हमें, उच्च क्वालिटी की विशेषताएं भी मैमोर की विशेषताओं में उच्च क्वालिटी हमें देखने को मिलती है, एक हाई लेवल देखने के लिए हमें मिलता है, ओके इट्स फाइन। तो मैमोर आपका क्लियर हो गया कि ए मैमोर इज स्लाइटली डिफरेंट इन कैरेक्टर फ्रॉम एन ऑटोबायोग्राफी। तो मैमोर का मतलब होता क्या है, क्या बताया था आपको, इतिहास, क्या होता है ये, इतिहास, मैमोर को हम हिंदी में बोलते हैं इतिहास। वाइल एन ऑटोबायोग्राफी टिपिकली फोकस ऑन द लाइफ, ऑटोबायोग्राफी टिपिकली फोकस करती है लाइफ पर एंड टाइम्स पर ऑफ द राइटर के, राइटर के, ए मेमोर हैज़ ए नैरोवर, लेकिन मेमोर जो होता है ये बहुत ही मतलब टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा नैरोवर होता है, टिपिकल होता है, मोर इंटीमेट फोकस ऑन हिज हर ऑन मेमोरी, ठीक है, ये किस पर इंटीमेट फोकस करता है, हिज हर ऑन मेमोरी, चाहे वो हिज या फिर हर ऑन मेमोरी, खुद की अपनी जो मेमोरी होती है, फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं। मेमोर हैव ऑफन बीन रिटन बाय पॉलिटिशियंस, ये मेमोर जो है किसके द्वारा लिखा जाता है, पॉलिटिशियंस के द्वारा लिखा जाता है और मिलिट्री लीडर्स के द्वारा लिखा जाता है, एज ए वे टू रिकॉर्ड एंड पब्लिश एन अकाउंट ऑफ देयर पब्लिक एक्सप्लोर्स, और इसको रिकॉर्ड किया जाता है किसके द्वारा, एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ देयर पब्लिक जो मतलब पॉलिटिशियंस के द्वारा लिखा जाता है, मिलिट्री लीडर्स एज वे टू रिकॉर्ड इसको रिकॉर्ड करते हैं एंड पब्लिश अकाउंट ऑफ देयर पब्लिक एक्सप्लोर, और पब्लिक एक्सप्लोर के लिए उसको वो पब्लिश भी करते हैं। वन अर्ली एग्जाम्पल इन दैट ऑफ लियोनर लोपास दे कोर्डोवा 1360 to 1420, हु रॉट वॉट इज सपोज टू बी द फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी इन स्पेनिश, जिन्होंने हु रॉट वॉट इज सपोज टू बी द फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी इन्होंने स्पेनिश में लिखी थी, द इंग्लिश सिविल वॉर, टू वॉक ए नंबर ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दिस जेनियर इंक्लूडिंग बर्क्स वाइज सर एडमंड ल्यूडलो एंड सर जॉन रिल्सवी, फ्रेंच एग्जाम्पल्स फ्रॉम द सेम पीरियड इंक्लूड द मेमोर ऑफ द कार्डिनल, ओके थैंक यू।